ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने कहा छोड़ो ना। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना सॉरी कहने की, क्यों करती हो ये? एक बार मना कर दिया ना मैंने नायरा, किसी दिन अगर मेरा गुस्सा, मेरी समझ और मेरे प्यार पर हावी हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। अभी बात फिर भी छोटी है, इसलिए भुला सकता हूँ, अपने मन को समझा सकता हूँ कि तुम जो भी कर रही हो मेरी खुशी के लिए कर रही हो, लेकिन किसी दिन अगर मैं अपने मन को नहीं समझा पाया तो नहीं, ऐसा ना हो नायरा कि दूसरों के पाप धोते धोते हमारे अपने हाथ गंदे हो जाए। हेलो जी मिश्रा जी, कहिए। अभी इस वक्त पर मिश्रा जी आपने तो कहा, हाँ मैं समझता हूँ मिश्रा जी, पर ठीक है मैं निकलता हूँ कुछ। क्या हुआ? हमारे एक एजेंट है नायरा मिश्रा जी करके, वो एक मीटिंग के लिए बुला रहे दिल्ली में, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी क्या? अभी हाँ, एक फॉरेन क्लाइंट से मीटिंग है, मैं ही इंसिस्ट कर रहा था उनसे मिलने के लिए, फाइनली उन्हें अभी टाइम मिला है तो जाना पड़ेगा। नायरा प्लीज नक्श या पापा को मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे जाने नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना अकेले? नहीं, तुम जाओ, पर इसे लूट के नहीं, प्लीज। कोई भी जरूरत पड़े, डर लगे या नींद ना आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तो वैसे भी जागा हुआ ही रहूंगा। या कल सुबह कहीं जाना हो या कुछ मंगवाना हो तो अलमीरा में पैसे रखे हुए, वो नीचे वाले ड्रॉर में, वहीं से ले लेना। गायु मिष्टी को बुला लेना अपने पास, या फिर वहीं चली जाना, अकेले मत रहना धनधर। एक्चुअली ये फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, वरना मैं खुद ही छोड़ देता तुम्हें। तुम भूल गए शायद, मैं शेरनी हूँ। हाँ याद है मुझे, तभी तो हिम्मत करके जा रहा हूँ। बस अपना ख्याल रखना, और प्लीज प्लीज दरवाजा बंद रखना, और अच्छे से बंद रखना, और अच्छे से बंद मतलब ये सिर्फ दरवाजा धक्का मत मार देना, उसे बराबर कुंडी लगाना, लॉक कर देना, और कोई अगर बेल बजाए तो पूछ कर ही खोलना दरवाजा, तुम श्योर हो तभी खोलना। ओके ओके बाय, टेक केयर।
दरवाजा ठीक से लॉक किया, ना पूछा कि कौन है, बस ऐसी दरवाजा खोल दिया। सॉरी। सॉरी सॉरी क्या होता है हर बात पे? एक बार जो कहा जाए ना वो किया करो। मुझे पता था कि तुम हो, इसलिए खोला। हाँ हाँ, तुम तो अंतर्यामी हो, ज्योतिष हो ना, तुम कैमरा फिट है तुम्हारी आंखों में, सब कुछ नजर आ जाता है तुम्हें। तुम्हारी बीवी हो, मेरे दिल ने। नहीं प्लीज, दिल विल के बहाने मत करो मेरे सामने, जो कहा है वो चुपचाप किया करो। तुम सेफ रहोगी ना नहरा, तो मैं भी काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं जानबूझ के तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है जानबूझ कर क्या कर रही हो और अनजाने में क्या, लेकिन परेशान तो कर ही रही हो ना। तो मत जाओ ना। तो नहीं जाऊंगा। नहीं सॉरी, जाओ। मुझे पता है वो सीन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो ना। I love you, Karthik. I love you so much. I love you too, Nair. इसलिए चिंता होती है बस। मैं बहुत स्टूपिड हूँ ना। वो तो तुम हो, लेकिन अब क्या करूँ? खेलना तो पड़ेगा ही तुम्हें हमेशा। चलो तुम ज्यादा सेंटी मत हो के, और मुझे भी सेंटी मत करो। ठीक से दरवाजा बंद करो, यू विल बी फाइन। मेरे बिना कैसे फाइन होंगी? पर कोई बात, मैं मैनेज कर लूंगी। अब समझदार तो तुम हो, पर कभी कभी स्टूपिडिटी कर देती। तो वो तो तुम भी करते हो। अच्छा चलो जाओ। बाय बाय। जाता हूँ, I mean जाकर आता। क्या कर दिया कृष्णा जी, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। दोनों तरफ मेरी फैमिली, तू तो किसका साथ दूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। सॉरी भाई, बार बार मेरी वजह से तकलीफ हो रही है ना आपको, पर अब बस सच सबके सामने आ गया, और हरा भाभी को जाके बता सकते हैं कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं, गलती मेरी है। और ये मेरी फैमिली मुझे बचाते बचाते इन्होंने सबको सजा दे दी। I'm sorry भाई, I'm really sorry. भाई, अब ना सब ठीक हो जाएगा। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसी को सजा मिलेगी। What I deserve, भाई। तुम चुप रहो मानसी, तुम्हें कुछ नहीं पता। कार्तिक तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता है ना कि मानसी से गलती से एक्सीडेंट हुआ था। प्लीज अपनी बहन को बचा लो कार्तिक, प्लीज तुम कुछ करो ना कार्तिक। तुम एक बार बात करके देखो ना, तुम्हारी बात वो लोग नहीं डालेंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो कार्तिक, प्लीज। वो जो कहेंगे हम करने को तैयार है कार्तिक। कोई बात नहीं कर सकता, बस प्रे कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकता भगवान से कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो। नहीं कार्तिक, तुम एक बार नायरा से बात करो ना, प्लीज कोशिश तो करो। तुम्हें मानसी की कसम कर। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। सच है ना सबके सामने, उन्हें जो फैसला लेना होगा वो लेंगे भाई, आप उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। और रही बात मेरी भाई, तो चिंता मत कीजिए आप, अब मुझे कोई डर नहीं। मुझे मंजूर है उनका कोई भी फैसला, चाहे और किसी को हो चाहे ना हो। मुझे मुन्ना की बहुत चिंता हो रही है, ये राजपन्ना और लल्ला आ जाने से पहले उसे पता चल गया तो ऐसे संभालेगा वो खुद को?
सुना। मैंने बताया आपको, उन्होंने धोखा दिया है पापा हमें। अंधेरे में रखा है हमें पापा, झूठ बोला है हमसे। नहीं बताया पापा, उसने भी सच छुपाया हमसे। मैं कार्तिक से बहुत गुस्सा हूँ, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। ये सब कैसे? उन्होंने वही तो पापा, हमने उन लोगों पे इतना भरोसा क्यों? उन्होंने हमें धोखा दिया, एक बार कितने सारे दुख दिए उन्होंने हमें पापा। मेरी मम्मा को हमसे अलग कर दिया, हमसे सच छुपाया, धोखा दिया पापा हमें उन्होंने। उसे किसी से क्या शिकायत करूं पापा? कार्तिक ने भी नहीं बताया, ना ही मुझे, ना आपको, ना किसी को। इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? कार्तिक, इसमें कोई गलती नहीं है। वो चाहकर भी नहीं बता पाया, जैसे मैं नहीं बता। मुझे भी पता चल गया था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आप सबको बताने की। नायरा, मेरी बात समझने की कोशिश कर, कोई भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। मैंने खुद बहुत सोचा कि कैसे बताऊं, कितनी बार तो बात मेरी जुबान तक आई, पर क्यों नहीं बताया आपने भाई? नहरा, मैं नहीं भाई, वो कोई रीजन नहीं है। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। नहरा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहरा, याद है ना मम्मा ने क्या सिखाया था हमें? सच को सच की तरह देखना चाहिए। मेरा सच ये सोच के नहीं, बस सच की तरह। अभी हम इमोशनल हैं, गुस्से में, इसलिए सब गलत लग रहा है। लेकिन प्लीज अपना दिमाग ठंडा करके सोच, अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोच नायरा। और ये सच बहुत ही तकलीफ दे, सिर्फ छोटी होती ना भाई तो बर्दाश्त कर लेती मैं, लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त भाई। पर वही दिया है उन्होंने, भरोसा टूट गया है मेरा, वो कैसे भूल जाऊं मैं? नायरा, इतना ही बहुत है मेरे लिए। आप कुछ नहीं भी कहेंगी फिर भी अपने बेटे की बात जरूर सुनेंगी, इतना यकीन है। I'm sorry नानी। I'm really sorry, मैंने आप सबको दुख पहुंचाया, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये फोन मैंने कोई सफाई देने के लिए या आप लोगों का फैसला जानने के लिए नहीं किया, या उस फैसले में अपनी सिफारिश रखने के लिए। आप बहुत हर्ट होंगी ना, अगर नायरा की मॉम की बात है तो आपकी बेटी हूं, और मैं जिसे आपने हमेशा अपना बेटा माना, उसने धोखा दिया आपको। अगर आप ऐसे ही समझती हैं तो फिर आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस संभालिए सबको, अपने आप को, पापा को, नायरा को, सबको। नानी, काश कि आप यहां होते तो आपकी गोद में सर रख कर रो लेता। शायद वो भी नसीब नहीं है मुझे। आपको जो ठीक लगे वो फैसला आप ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार कह दीजिए नानी की
ये सब ठीक हो जाएगा बेटा। प्लीज नानी, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। प्लीज नानी, प्लीज नानी से एक बार कह दीजिए। प्लीज ठीक है। I'm sorry नानी, वो मैंने आपको और परेशान कर दिया। I'm sorry। हुई है सो जो राम रची राखा को करे तरक बधावे साखा। थैंक यू सो मच नानी, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। आप प्लीज अपना ख्याल रखना, और नायरा का भी, उसे बहुत जरूरत है आपकी। क्यों बाल गोपाल, क्यों कर रहे मेरे बच्चों के साथ ऐसा? क्यों मेरे बच्चों के बीच में दूरी पैदा कर रहे हैं आप? फैसला तो तूने ले ही लिया होगा, अब इसमें मैं क्या, शायद कोई और भी कुछ कहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ही बहुत कुछ छीन चुका है तुझसे, अब ये फैसला लेने का अधिकार मैं नहीं छीनना चाहती तुझसे बेटा। सिर्फ प्रार्थना करती हूँ बाल गोपाल से कि तुझे सही फैसला लेने की हिम्मत और समझ दोनों दे। बस नहीं ना, इतना तो मानते हो ना तुम? मेरा प्लीज, मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी प्लीज।